अहम खबर आपको देते हैं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 46 और सेक्रेटरियट ग्रुप के 12 अफसरों की ग्रेड 21 में तरक्की दे दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नवीद कामरान बलोच, रिजवान मलिक, इमरान अहमद, मियां असद की ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ओवैस कियानी से। जी ओवैस, बताइएगा तरक्की पाने वालों में कौन कौन शामिल है, क्या तासुरात हैं? यकीनन बहुत खुश होंगे सब। हाँ बिल्कुल जी, यकीनन जिनके नाम आए हैं उनको इत्तला भी मिल चुकी हैं और स्पेशली तौर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनकी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का जो आज इजलास हुआ है उसमें जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जिसको DMG कहा जाता है, इसके 46 और सेक्रेटरियट ग्रुप के 12 अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्की हुई है। पास ग्रुप के नवीद कामरान बलोच, रिजवान मलिक, इमरान अहमद, मियां असद, हयाउद्दीन की ग्रेड 21 में तरक्की हुई है। ताशफीन खान, जफर हसन, मोहम्मद नईम, अली रजा, डॉक्टर अख्तर नज़ीर, मोहम्मद अली, शहजाद दाऊद, अहमद सालेह फारूकी जो है वो ग्रेड 21 में तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इसी तरह सैयद तौकीर हुसैन शाह, जिनका स्पेशली तौर पर जो कि लाहौर में जो कि सानह मॉडल टाउन था उसमें एक अहम जो है इनका जो नाम था, उनकी भी आज तरक्की हुई है। इस तरह शाह जो फरा हामिद खान हैं, सईद अहमद नवाज हैं, मिसिस बुशरा सिकंदर कयूम, आरिफ अनवर बलोच, शेरफगन खान, शहजाद खान, बंगेश नजीम, अशरफ कियानी, हुमैरा अहमद की भी ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। DMG जो है स्पेशली तौर पर जो ग्रेड 20 के अफसरान में तरक्की पाने वालों में जो है वो एजाज असलम डार हैं, हमीद करीम हैं, सारा सईद मुश्तबा प्राचा हैं, मोहम्मद आसिफ हैं, खालिद शेरदिल शामिल हैं, अली सरफराज हुसैन, जायद अख्तर जमान और इसी तरह जो है मोहसिन और नबील अहमद भी शामिल हैं। और इसी तरह ग्रेड 20 के साथ साथ जो है नदीम असलम चौधरी, मोहम्मद हुसैन इकबाल, शकील कादिर खान, फवाद हाशिम रबानी, आमिर अली अहमद, साइमा सईद, नबील जावेद, शहरियार सुल्तान, मोहम्मद हारून रफी की ग्रेड 20 को तरक्की हुई है। मंजूर अली, शेख साकिब, जफर उस्मान, गुल आमना इमाम, वकास अली महमूद और जुबैर असगर जो है वो उनकी भी तरक्की हुई है। इसी तरह दीगर जो अफसरान हैं उनकी आज जो सेक्रेटरिएट और जो DMG ग्रुप के जो अफसरान हैं उनकी तरक्की हुई है। कुछ नाम जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सब बहुत ज्यादा नाम इनके हैं, स्पेशली तौर पर जो है वो 50 से ज्यादा अफसरान जो है जिनकी ग्रेड 21 में तरक्की हुई है। DMG जो बोर्ड था उसमें स्पेशली तौर पर आज बहुत तवील बोर्ड ये रहा क्योंकि 300 से ज्यादा अफसरान थे जिनकी सिलेक्शन होनी थी और सबसे ज्यादा जो पैनल था वो DMG ग्रुप का था और 7 घंटे लगातार जो है इजलास जारी रहा। इस मिशन खाने का वक्फा लिया और उसके साथ साथ जो है ये 7 घंटे पर मुश्तमल ये इजलास था जिसमें DMG और सेक्रेटरियट ग्रुप के ग्रेड 19। ठीक है ओवैस, एक लंबी लिस्ट जिनको तरक्की मिली, सभी बेहद खुश होंगे। बहुत शुक्रिया ओवैस यानी आपका अपडेट करने के लिए।